दीपांशा मोंडेली फ्रॉम भास्कर इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म डूइंग बीएमसीजी मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। आई एम फीलिंग सो प्रिविलेज्ड टू बी हियर फॉर इंटरव्यूइंग डॉक्टर जेसी सर, हु इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द सेम डिपार्टमेंट भास्कर इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। थैंक यू सो मच सर टू बी हियर एंड गिविंग योर प्रीसियस टाइम फ्रॉम योर बिजी डे शेड्यूल। थैंक यू। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यू सर, from your academic qualification, how what you did in your academic qualification, and I came to know that you preferred Jhansi for your next higher study. So what is your academic qualification and your experience? Please hear this. My presently qualification is PhD in mass communication. I did high school and intermediate from UP board with first division and graduation from Allahabad University, post graduation from Allahabad University in English literature. Previous to this, I was also giving civil examination, तो मैंने फिर दूसरे विकल्प चुनने की कोशिश किया और for that I shifted to Bundelkhand University because then PG in mass communication was present in this department and I came to this department and I secured 67% marks in my post graduation. Then after I did MPhil, I crossed NET examination NET and later I registered in PhD and I completed PhD. Presently, I am PhD in mass communication and my topic was Bundelkhand ke lok evam parampark madhyam. Is pe maine PhD kiya hua hai. Education is the most important weapon which you can use to change the world. Aur aisa hi weapon sir aapne use kiya hai apni bhi world ko change karne ke liye, aur yahi weapon jo hai aap student ke beech baat rahe hain student ke world ko चेंज करने के लिए। इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूं सर आपसे। व्हाई यू चूज दैट आई वांट टू गो इन अ टीचिंग फील्ड, व्हाई यू ऑप्ट ओनली टीचिंग फील्ड एंड नॉट एनी अदर एल्स? टीचिंग मैंने इसलिए चुना कि चूंकि पहले मैं प्रतियोगिता परीक्षा देता था, प्रतियोगी परीक्षाओं में मैंने बहुत सारा अध्ययन किया हुआ था और उसका नॉलेज था मुझे। सो मैं ये सोचता था कि जो जीवन में मुझे जो कुछ मिला हुआ है, अगर मैं समाज के लिए कुछ दे सकूं, बेहतर कर सकूं, तो उसमें एक विकल्प है मेरे पास, ये है कि मैं अपने को जो है एक टीचर के रूप में स्थापित कर सकता हूं और पढ़ी हुई बातों को, गेन की हुई चीज़ों को मैं विद्यार्थियों तक प्रेषित कर सकता हूँ। इसलिए मैंने पत्रकारिता को चुना। पत्रकारिता एक ऐसा फील्ड है जहाँ की आदमी जो है अपना एकेडमिक के रूप में भी अपने करियर को संभाल सकता है, प्रोफेशनल के रूप में भी अपने करियर को संभाल सकता है। मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आया क्योंकि उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सिर्फ डिप्लोमा चलता था, मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होता था और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा था। तो मैंने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहाँ से किया और फिर मैंने नेट क्वालिफाई किया, एमफिल भी किया और पीएचडी किया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर आपसे ये है कि जैसे हम भास्कर इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में एडमिशन प्रोसीजर क्या है और फी क्या है, इस सब के बारे में आप बताइए सर प्लीज। जैसा कि हम जानते हैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर 2002 से स्टार्ट हुआ। वर्तमान समय में इसमें यूजी है अंडर ग्रेजुएशन जिसकी कैपेसिटी है 60 सीटों की, दूसरा पीजी है जिसकी कैपेसिटी है 30 सीटों की जी। और पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसमें 20 सीटें हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे पीएचडी भी बच्चे कर रहे हैं जी। इस वर्तमान समय में 4 बच्चे पीएचडी कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन से। हमारा जो स्टाफ है
करीब करीब सभी का डॉक्टरेट है, सभी नेट हैं, वेल क्वालिफाइड डिपार्टमेंट है। इसके साथ ही हमारे डिपार्टमेंट में जो फीस है ग्रेजुएशन की 25,000 रुपये प्लस 500 रुपये रजिस्ट्रेशन का, और पोस्ट ग्रेजुएशन का 32,000 रुपये 500, और डिप्लोमा का 32,500 फीस है। वर्तमान समय में हमारे पास एक स्मार्ट क्लास है, साथ साथ कंप्यूटर लैब है जिसमें कि 25 कंप्यूटर रखे हुए हैं। चूंकि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में अगर बच्चों को जो अद्यतन तकनीक है अगर वो उससे अनभिज्ञ रहेंगे, उसके फ्रेंडली नहीं होंगे, तो अच्छा काम नहीं दे पाएंगे। तो डिपार्टमेंट के बच्चे बेहतर कर सकें अपने करियर के लिए, इसलिए उनको फ्रेंडली टू कंप्यूटर बनाने के लिए अनवरत प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको क्वार्क एक्सप्रेस है, डिजाइन एंड ग्राफिक्स है, एडिटिंग है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास मल्टीमीडिया लैब है। मल्टीमीडिया लैब में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हर चैनल में पूरी सुविधाएं होती हैं। यहाँ से वो पूरी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं जो चैनल में मिलती हैं। एक तरह से उनका यहाँ पर प्रशिक्षण भी हो जाता है। यहाँ पे स्टूडियो है, पीसीआर है, और के एडिटिंग रूम है। इसके साथ ही कम्युनिटी रेडियो की भी फैसिलिटी यहाँ पे है। इस मीडिया का बेहतर प्रयोग करते हुए बहुत सारे ई कंटेंट यहाँ से तैयार होते हैं। डिबेट एंड डिस्कशन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड है। बच्चा एंकरिंग है, एडिटिंग है, ये सब कुछ सीख सकता है यहाँ। जी, आपने बात कही कि ये भास्कर इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में मल्टीमीडिया लैब की फैसिलिटी है, कंप्यूटर लैब की। जी हाँ बिल्कुल, मल्टीमीडिया लैब की फैसिलिटी, और आपने बताया कि ये एक तरह का प्रोटोटाइप डेवलप किया गया है कि स्टूडेंट जो है वो बाद में अगर काम करेंगे तो उन्हें कुछ अलग महसूस नहीं होगा। बिल्कुल सर, मैं अब आगे बढ़ती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि भास्कर इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है, इन सब के बारे में, और स्टूडेंट को अपने अंदर क्या क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए सो दैट दे कैन प्लेस इन अ रेप्यूटेड कंपनी। जैसा कि हम जानते हैं कि मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी में सबसे बड़ी, एक तो भाषा का कमांड होना बहुत जरूरी है। अच्छी भाषा हो, भाषा स्पष्ट हो, क्लैरिटी हो, जी उसमें स्वर सामर्थ्य हो, और वो भाषा जन सामान्य की हो। तो भाषा की योग्यता के साथ साथ जब विद्यार्थी जिस विषय को कवर कर रहा होता है उस विषय के बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए। क्योंकि अगर अच्छी जानकारी नहीं होती है तो हम ना अच्छे प्रश्न बना सकते हैं, ना अच्छे इंटरव्यू कर सकते हैं, ना अच्छी बैट ले सकते हैं, ना अच्छी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जी ना अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। इसलिए हमारा जोर इस पे होना चाहिए कि हमें भाषा का स्किल और साथ साथ हमें सब्जेक्ट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और मास कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए भी बच्चों को तैयार करता है और एकेडमिक के लिए भी बच्चों को तैयार करता है। एकेडमिक में ऐसे है कि जैसे किसी विद्यार्थी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 55 मार्क्स से ज़्यादा वो अपने प्राप्त करता है तो नेट या JRF निकाल सकता है, PhD कर सकता है, तो उसका एक विकल्प खुला रहता है कि वो एकेडमिक हो सकता है, टीचर हो सकता है यूनिवर्सिटी में या डिग्री कॉलेज में टीचर हो सकता है। दूसरा, अगर फील्ड में जाना चाहता है तो रिपोर्टिंग कर सकता है, एडिटिंग कर सकता है। एडिटिंग का तात्पर्य यह है कि डेस्क पे बैठ के काम कर सकता है। साथ साथ तो मीडिया के बहुत सारे आयाम उसके लिए खुले हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि ट्रेडिशनल मीडिया के लिए काम कर सकता है,
साथ साथ प्रिंट मीडिया के लिए काम कर सकता है, रेडियो के लिए भी काम कर सकता है और चैनलों के लिए भी काम कर सकता है। जी बिल्कुल सर, आपने कहा कि जो मास मीडिया के स्टूडेंट्स हैं उनको कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी होगी, और सर मैंने आपका जो मैं देखूं एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटी, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल काफी एक्सीलेंट रहा है, तो सर आप क्या टिप्स शेयर करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बतौर मास मीडिया के स्टूडेंट हम लोगों को कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए कहा जाता है, तो क्या टिप्स आप शेयर करेंगे ताकि हम लोग भी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकें। सबसे पहली बात तो मास कम्युनिकेशन में जो हम सेंटेंस जब राइटिंग करते हैं तो सेंटेंस एक सेंटेंस में एक बात कहने की कोशिश की जाती है, हम लोग मिश्रित वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं जी। ऐसे सेंटेंस नहीं प्रयोग करते हैं जो मिश्रित हो जी। एक बात एक सेंटेंस में, और वो सेंटेंस बहुत सरल हो, स्पष्ट हो, और उसमें जो शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं वो जन सामान्य की जानकारी में हो, क्योंकि किसी भी मीडिया को देखते समय या मीडिया को मान लीजिए कि रीडिंग कर रहा है, रीडिंग करते समय वो डिक्शनरी लेके तो बैठेगा नहीं जी। तो इजी गोइंग बनाने के लिए हमारा अल्टीमेटली उद्देश्य होना चाहिए कि हमें मास कम्युनिकेशन में जो कुछ हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कुछ नॉलेज दे रहे हैं, जो कुछ इंटरटेनमेंट दे रहे हैं, वो इजी वे में जो है रिसीवर तक पहुँचे और उसको वो बहुत कायदे से रिसीव करे और उससे वो लाभान्वित हो। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मास कम्युनिकेशन का क्षेत्र जो है बहुत चीज़ों के लिए खुला है, पब्लिक रिलेशन के लिए खुला है, पीआरओ जो अधिकारी वर्ग होते हैं उसके लिए खुला है, और एक परीक्षा होती है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है जी। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो वो एक क्लास की सर्विस है, उसमें भी विकल्प खुला हुआ है, पीआरओ का विकल्प खुला हुआ है, एडवर्टीजमेंट का विकल्प खुला हुआ है, रिपोर्टिंग और एडिटिंग तो कर ही सकते हैं, ई कंटेंट लिख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग इस समय बहुत प्रभावी हो रहा है, उसके लिए बेहतर विद्यार्थी काम कर सकते हैं, साथ साथ वो डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं, पोएट्री राइटिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये विकल्प खुला हुआ है, और ये विद्यार्थी के टैलेंट पर डिपेंड करता है कि वो अपना बेहतर उपयोग करे अपने करियर का, यहाँ से जो कुछ सीख सकता है, हमारे डिपार्टमेंट में जो फैसिलिटी है उनको मैक्सिमम और जो फैकल्टी है उनका मैक्सिमम उपयोग करते हुए अपने करियर को संभाले, और हम ये चाहते हैं कि क्षेत्र स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने को ले जाने में योग्य बनाए, और जहाँ तक हम अपना सहयोग दे सकते हैं, जितनी हमें योग्यता है, हम और हमारी फैकल्टी इस चीज़ को पूरा शिद्दत से करने के लिए तैयार रहती है। जी बिल्कुल सर, वैसे तो आपने यहाँ भास्कर इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है, फिर भी मैं आपसे एक बार डिटेल में पूछना चाहूँगी कि भास्कर इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहेंगे उन्हें आप बताइए कि यहाँ क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्या मल्टी मीडिया लैब में अपॉर्चुनिटीज हैं, और एक तरीके से अगर मल्टी मीडिया लैब में क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं स्टूडेंट को ताकि वो आगे अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी स्कोप बना सके। मल्टीमीडिया लैब हमारे डिपार्टमेंट में जो है वो उत्तर प्रदेश के बहुत संस्थानों में नहीं है जी। एक आध संस्थानों में है, और यहाँ पे वो फैसिलिटी है जो बड़े बड़े चैनलों में जो फैसिलिटी होती है जी। यहाँ पर पीसीआर है जी, स्टूडियो है, पोस्ट प्रोडक्शन रूम है। पीसीआर दो तरीके का है, एक चैनलों वाला है और एक कम्युनिटी रेडियो के लिए भी है जी। तो जिसका बेहतर उपयोग विद्यार्थी कर सकते हैं, यहाँ पे एंकरिंग सीख सकते हैं जी, एडिटिंग सीख सकते हैं, कम्युनिटी रेडियो के लिए अपने को तैयार कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक या दो जगह पे ये फैसिलिटी है, जो नए विद्यार्थियों के लिए, चूंकि अब रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं जी, तो विद्यार्थियों को अपने को समय के लिए तैयार करना है, अपने को प्रोफेशनल के रूप में एस्टेब्लिश करना है,
हमारा मास कम्युनिकेशन विभिन्न विभिन्न आयामों को खोलता है और उसका बेहतर उपयोग विद्यार्थी कर सकता है और इसमें करियर की बहुत बड़ी बड़ी संभावनाएं हैं। हमारे ही डिपार्टमेंट के बहुत सारे बच्चे हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल साहित्य कार्य पुरस्कार से नवाजा है और एक विद्यार्थी ऐसा भी है जो YouTube से करीब 20 लाख रुपए कमा चुका है। यहाँ के पढ़े हुए बच्चे कुछ नेट निकाल करके टीचिंग कर रहे हैं, कुछ जो है एडवर्टीजमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। तो इस तरह से ये विद्यार्थी को बहुत सारी एक साथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। विद्यार्थी किसके लिए तैयार कर रहा है, विद्यार्थी रिपोर्टिंग भी कर सकता है, एडिटिंग भी कर सकता है, विज्ञापन की जगत में भी जा सकता है जी। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में जा सकता है, पब्लिक रिलेशन अफसर हो सकता है, इस तरह से बहुत सारे विकल्प विद्यार्थियों के पास, कंटेंट राइटिंग कर सकता है, तो बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। और मान लीजिए कि अगर वो एकेडमिक भी हो गया, टीचर भी हो गया, तो कॉलम राइटिंग कर सकता है, किताबें लिख सकता है। तो ये कोर्स जो है हमारा मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बहुआयामी कोर्स है और विद्यार्थियों को बहुत कलीबर के साथ तैयार करता है, जी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी उनके जीवन में शहने करता है। जी सर, आपने ये इतना इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दी है कि यहाँ स्टूडेंट इंटरव्यू एंकरिंग कॉलम राइटिंग सबके लिए सीख सकते हैं और अभी हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, हम लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि इंटरव्यू ले। और सर ने बताया भी है कि यहाँ के स्टूडेंट जो हैं वो 20 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, ये उपलब्धियाँ सर ने गिनाई हैं। थैंक यू सो मच सर दिस इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स एंड अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम फ्रॉम योर बिजी डे शेड्यूल। एंड मैं वीसी सर का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, फैकल्टीज का धन्यवाद करना चाहूंगी जो भास्कर इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच।